हाय फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्रॉग का कंप्लीट अनबॉक्सिंग और वो जाते हमारा मल्टीप्रॉग में क्या क्या काम कर सकते हो। ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस है, फिर को भी मैं कर रहा हूँ। अभी हमारा मल्टीप्रॉग में बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, बहुत ज़्यादा फीचर्स है। इसको अभी कैसा इंस्टॉल करना, कैसा काम करना, इसका सारे भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा मल्टीप्रॉग को अनबॉक्स करेंगे। इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है, ये यूज़र मैनुअल बताएगा आपको कैसा कनेक्शंस लगाना चाहिए, जो सारे डिटेल्स भी इसके अंदर रहेगा। मल्टीप्रॉक एक्सेसरीज, ये एक्सेसरीज बॉक्स एक है, इसके अंदर बता रहा हूँ जो एक्सेसरीज में क्या क्या अवेलेबल था। ये एक्सेसरीज बॉक्स के अंदर अडाप्टर का एक बॉक्स है, ये जो अडाप्टर है MCU रेड एंड रेड करने का V04 अभी वो जाते। एक EEPROM अडाप्टर है, EEPROM अडाप्टर में देखो इसके अंदर SOP 8 के अंदर और SOIC 16, SOP 8, सारे माइक्रो आईसी से नैनो आईसी तक सारे भी रीड एंड राइट करने के लिए इसके अंदर प्रोविजन्स है ये अडाप्टर में। और एक 12 वोल्ट अडाप्टर, अभी इसके अंदर एक कवर है, अच्छा ये ECU और पिन आउट्स को जम करने का पिन्स है ये वाला। ओके, अभी है मेरे 12 वोल्ट अडाप्टर का प्लग है और ये है मल्टीप्रॉग OBD। आपको OBD से ECU डेटा हो और जो भी डेटा से रीड एंड राइट करने के लिए ये जो OBD केबल है, ये हमारा USB कनेक्शन है। उसके बाद में मल्टीप्रॉग, अच्छा ये DB15 आपको सॉल्डरिंग फ्री अडाप्टर्स के लिए ये जो वायर लगेगा। आप मल्टीप्रॉग से भी सॉल्डरिंग फ्री अडाप्टर्स को रीड एंड राइट कर सकते हो। ये हमारा दूसरा केबल है सेम DB15 का। ओके, ये MCU का और ये है ECU का, दो भी डिफरेंट केबल है। और ये केबल है हमारा ECM रीड एंड राइट करने के लिए ECU अडाप्टर है। इसके अंदर सारे कनेक्शंस भी आएगा हमारा, DC पावर का 12 वोल्ट, कैन हाई कैन लो, GPT 1 2, ग्राउंड, सब कुछ इसमें आएगा। ये जो अडाप्टर यूज़ करने में हमको ECU रेड एंड रेड कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो है मल्टीप्रॉग का अडाप्टर है, सॉरी MCU का मल्टीप्रॉग अडाप्टर है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है, आपको जो SMK रीड एंड रेड करना और एयरबैग का MCU रीड एंड राइट करने का ये अडाप्टर यूज़ करके ही काम करना पड़ेगा। दैट्स ऑल द एक्सेसरीज। अभी ओपन करेंगे हमारा मेन यूनिट। ये है हमारा मल्टीप्रॉग का मेन यूनिट है, इसको अभी ओपन करेंगे। जितना कि हेवी है ये, इसके अंदर आपको MCU और क्या बोलना है EEPROM रीड एंड राइट करने के लिए जो अडाप्टर्स पहली वाला बताया था वो इधर ही कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये है हमारा पावर स्विच, अभी इसमें देखो 12 वोल्ट अडाप्टर ऑन एंड ऑफ करने के लिए, अब इसमें ही डाला है DB44 DB9, ये दोनों अडाप्टर है हमारा OBD कनेक्ट करने के लिए। अगर सॉल्डर फ्री अडाप्टर्स के लिए भी है इधर, इसके अंदर LAN केबल भी कनेक्ट कर सकते हो फास्ट इंटरनेट के लिए।
ऐसे ही सिस्टम को यूएसबी से कनेक्शन लगाना चाहिए और हो जाते आपको यूएसबी ऑप्शन भी है। दिस इज द हार्डवेयर, हार्डवेयर अब दिन अल्लाह का।